हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते बेला से। तो बेला एग्जी के लिए एक स्टोरी डालता है। एग्ज इज वन ऑफ द बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट इन इंडिया, नो कैप। तो अब बात कर लेते पैंथर के बारे में। तो पैंथर जो है वो लाइव आए थे अपने इंस्टाग्राम से, और वहां पे वो बात करते हैं कृष्णा के आई गेस ट्रैक के बारे में। आई गेस कैसा लगा कृष्णा भाई का? भाई कृष्णा भाई है भाई वो, मतलब कृष्णा भाई का गाना कैसा लग सकता है तुमको? हमेशा पूरा सर पूरा IQ लगाना पड़ता है कृष्णा भाई के गाने में। सो आई फकिंग लव्ड इट ब्रो, तभी तो मैंने स्टोरी डाली ब्रो। ही इज फकिंग गोटेड ब्रो, समझ रहे हो? वो गोट है भाई, कोई सीन ही नहीं है उसमें। इसके अलावा बाली जो है वो एक स्टोरी डालता है, वीके ड्रॉपिंग नेक्स्ट वीक। तो विराट कोहली के लिए एक ट्रिब्यूट सॉन्ग आने वाला है बाली की तरफ से, तो अगले हफ्ते ये गाना देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते किंग के बारे में। तो सलीम मर्चेंट के साथ एक कॉन्वर्जेशन देखने को मिला किंग का। तो अब बात कर लेते पेंडो के बारे में। तो पेंडो से उनके Q&A में पूछा जाता है, इफ यू सपोर्ट एमीवे देन व्हाई डिड यू प्रोड्यूस M4 ऑफ कृष्णा, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड एज अ फैन। तो पेंडो लिखता है, आई हैव नेवर वर्कड विद कृष्णा, आई सेल बीट्स इन माई बीट स्टोर एंड एवरी वन कैन बाय लाइसेंस टू माई बीट्स, आई डिडंट इवन न्यू ही मेड सॉन्ग टू माई बीट एंड व्हेन द सॉन्ग ड्रॉप्ड आई वोक अप फॉर हेट कॉमेंट्स ब्लोइंग अप माई फोन। तो अब बात कर लेते हैं आकाश के बारे में। तो आकाश एक स्टोरी डालता है और टैग करते डीनो जेम्स और इक्का को। खैर डीनो की तरफ से भी एक स्टोरी देखने को मिली थी। MTV हसल 2.2 में कल जो अनप्रेडिक्टेबल एलिमिनेशन हुआ है ब्रो, आई मीन इट्स माइंड ब्लास्टिंग। सो आने वाला है सैटरडे, देख लेना। बेस्ट टीवी शो एवर ब्रो, बेस्ट रियलिटी शो एवर, हैट्स ऑफ MTV फ्रीमेंटल इंडिया, हैट्स ऑफ। तो नेक्स्ट अपडेट जे ट्रिक्स की साइड से। तो जे ट्रिक्स एक पोस्टर डालता है, टाइम टू ब्रिंग सम हीट। तो अब बात कर लेते हैं एमीवे के बारे में। तो एमीवे ने मचाएंगे 4 जब पब्लिक करा था, तब उस पर करीब 10,000 कॉमेंट्स थे, पर अभी आप लोग देखोगे तो 3,00,000 से ज्यादा उस पर कॉमेंट्स हो चुके हैं। तो 3 महीने पहले जो कॉमेंट्स आए थे ये वही कॉमेंट्स है, और अभी जब उन्होंने पब्लिक करा गाना तो सारे कॉमेंट्स रिकवर नहीं हुए थे, पर फिलहाल हो चुका है। तो कुछ हिप हॉप पेजेस का कहना था कि एमीवे ने कॉमेंट्स डिलीट करे, बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। खैर नेक्स्ट अपडेट डिवाइन के साइड से। तो डिवाइन का अकेला ट्रैक ड्रॉप हो चुका है, साथ ही ग्रेविटी ने भी अपना गाना निकाल दिया है जिसका नाम है ब्रेकिंग न्यूज, और प्रदीप का गाना देखने को मिला है जिसका नाम है वापस, और साथ ही रिश का ना ही लेना अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। फिराग और रामिस का दे नो मी ट्रैक भी आ चुका है। तो अब बात कर लेते बादशाह के बारे में। तो बादशाह एक स्टोरी डालता है, हमें समझ नहीं आ रहा था कि किसे एलिमिनेट करे, तो हमने किंग को ही एलिमिनेट कर दिया। खैर नेक्स्ट अपडेट रावल की साइड से। तो रावल भर्ग और इक्का का जो ट्रैक था वो भी 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा दानव जो है वो कृष्णा के लिए एक स्टोरी डालते हैं, भाई ये एक चीज बना सकते हैं, जनता का चूतिया। तो अब बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा एक स्टोरी डालते हैं, #3 ऑल इंडिया, ब्रो मत बोल मैं कोई भाई नहीं तेरा। तो आई गेस ट्रैक जो है वो भी 3rd नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, और इस पे करीब 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं सिर्फ 2 दिन में। तो अब बात कर लेते किट कड़ी के बारे में। तो जैसे कि एडिडास ने कान्ये वेस्ट के साथ अपने टाइज कट कर लिए, तो किट कड़ी जो है वो एडिडास के डिसीजन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। खैर जैसे कि सारे ब्रांड्स ही दूर जाना चाह रहे हैं अभी कान्ये वेस्ट से, वहीं स्पॉटिफाई जो है वो अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।